बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदीक आज़मी। आज पूरी दुनिया में 25 दिसंबर क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी इंक्लूडिंग पाकिस्तान अपने क्रिसमस की खुशियों में पाकिस्तान से एक पुरमन अंदाज से अपने मजहबी त्यौहार को मना रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ इस वक्त क्रिसमस की खुशियाँ हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी के चेहरे पर मुस्कराहट नज़र आ रही है। ये लोग पुरमन तरीके से यहाँ अपने चर्चेज में इकट्ठे हैं। बहुत से लोगों को शायद सैमुअल जॉन बर्की का नाम ना पता हो। ये वो अनसंग मसीही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। आज अगर पाकिस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है तो उसमें सैमुअल जॉन बर्की का नाम हम नहीं भूल सकते। इसी तरह मसीही बरादरी यहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज़ के साथ एक इमेज बिल्डिंग हुई है उसकी प्रोजेक्शन में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन लोगों की खिदमत आप किसी सूरत में नहीं भूल सकते। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही बरादरी किस अंदाज में अपना क्रिसमस मनाते हैं, किस अंदाज में इन खुशियों में दूसरे पाकिस्तानियों के साथ शरीक होते हैं, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है इस चर्च में। मैं इनका सबसे शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज मुझे दावत दी यहाँ पर, और हम इनसे यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये अपनी खुशियों को किस तरह मनाते हैं और ये इनके साथ जो माइनॉरिटीज़ के साथ दुनिया भर में एक इमेज बिल्ड हुआ है कि इनके साथ जो अच्छा सलूक नहीं होता, क्या वाकई ऐसी बात है या मसीही बरादरी इसको कैसे महसूस करती है, इन चीज़ों को आज थोड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, आज क्रिसमस का मौका है तो आप तैयार भी हुए हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी क्रिसमस। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ? अच्छा फील कर रहे हैं। हम लोग की कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे में, और मसीह बरादरी यहाँ पे इस चर्च में नहीं बल्कि हर चर्च में ऐसे ही इकट्ठी होती है। और हमारे जीसस क्राइस्ट की आज बर्थ है, इस वजह से हम लोग इकट्ठे होते हैं, शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं, और पाकिस्तान के लिए हम लोग अमन की दुआ चाहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूँ कि दुनिया भर में वैसे एक प्रोजेक्शन करते हैं, इल्ज़ाम लगता है जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का अच्छा सलूक नहीं होता, ये नहीं, आप क्या इस चीज़ को आप यहाँ पुरअमन महसूस कर रहे हैं अपने आप? जी बिल्कुल। अब फिलहाल पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा सलूक होता है, लेकिन बाकी लोग भी यही करते हैं कि दुनिया में जितनी भी माइनॉरिटीज़ है सबके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। मेरा तो यही पैगाम है कि आज खुदा मसीह पैदा हुआ है, आप सब खुशी मनाएं और दिल हर एक से खुशी खुशी बातचीत करें। कहते हैं जी पाकिस्तान में कि यहाँ दुनिया में एक वैसे एक इमेज बनाया हुआ है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं था। क्रिसमस का मौका है, आप सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उससे मुतमईन हैं? सर, सिक्योरिटी के मुतमईन हैं हम, और अकलियत को यहाँ पे पाकिस्तान में जो आज़ादी हासिल है, आप बॉर्डर पार देख लें जो अभी वहाँ पे इशू चल रहा है शहरियत का, वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हालात हो रहे, शुक्र है खुदावंद का कि पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर। बहुत ज़बरदस्त, मेरी तरफ से आपको मेरी क्रिसमस। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। वी आर रियली एंजॉयिंग द क्रिसमस इन पाकिस्तान एंड वी विश अ मेरी क्रिसमस टू द पाकिस्तानीज एंड स्पेशली द ऑस्ट्रेलियंस एंड द क्रिश्चियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? Yeah, of course, we are very much satisfied about it, and they've given us the 100% foolproof security in Pakistan, and we are very happy for this. There is a like a myth from a lot of other countries, or you can say propaganda, that in Pakistan minorities, especially Christian minorities, are not celebrating their events peacefully. Is that true? No, it's not true. As far as the Christians of Pakistan are considered, they are very much peaceful and they are celebrating it wholeheartedly in Pakistan. Christians Pakistanis are as equal as other Pakistanis. Exactly, they are equally treated and they celebrate all the events equally as other minorities of Pakistan, and Muslims are celebrating their Eids and other occasions in Pakistan. How does it go? Like, you will serve a food after the? No, they don't serve us the food, but after leaving from church, after completing the mass, we go to our houses, we go to our homes, and then we have different parties and we have get-togethers till morning. Very nice. Look, from my end and my team and all Australian Urdu TV team, we wish you Merry Christmas and Happy New Year as well. Same to you. मेरी तरफ से आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। अच्छा, ये बताएं कि क्रिसमस पे डिश कौन सी ऐसी पकती है जो ख़ास डिश हो खाने की? डिश तो वही जो नॉर्मली चिकन और बिरयानी वगैरह लोग खाते हैं, लेकिन हमारे क्रिसमस के लिए स्पेशली जो है वो प्लम केक है।
प्लम केक, हाँ जी, जो स्पेशल क्रिसमस केक कहलाता है। और तो क्या मुझे भी दावत दी है, मैं भी थोड़ा सा, व्हाई नॉट, कम मेनी टाइम। बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अराउंड द वर्ल्ड क्रिश्चियंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अमन और शांति के लिए दुआ करें और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का ये मौका है तो आप क्या सेलिब्रेशन, किस किस्म की सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशंस एज यूजुअल हमारी बहुत हाई हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, सो इट्स अ गुड इवेंट। सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं यहाँ पर, उनसे आप मुतमईन हैं? जी, काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी वेल मैनेज्ड है। दुनिया में मसीही जो बरादरी है, इनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? Stay safe, stay blessed, stay happy. Thank you. ये बताएं कि क्रिश्चियंस के लिए पाकिस्तान क्या एक सेफ मुल्क है? सेफ मुल्क है, हम जब से ये पैदा हुए हैं, हम, हमारे ये बड़े, हमारे दादा, हमारे फादर, हमारा ये अपना मुल्क है पाकिस्तान, ये अपना सरजमीन हमारी है, हम इसके लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी क्रिसमस टू यू, वी लव यू। थैंक यू। मैं ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि पहले तो सबको मैं क्रिसमस मुबारक कहूँगी, उसके बाद ये पैगाम है कि बहुत खुशी का मौका और सबके लिए ये प्यार का पैगाम है सबके लिए, क्योंकि मसीह हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान क्या एक सेफ मुल्क है? दुनिया में एक इमेज बताते हैं कि जी यहाँ पर बड़े मसाइल हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए ये मसला है, वो मसला है, क्या आप सेफ़ फील कर रही हैं, खुशियाँ मना रहे हैं जैसे आम पाकिस्तानी करते हैं? नहीं, मैं तमाम लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हम बड़े सेफ हैं और शुक्र है खुदा का कि जितनी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे खुशी से आते हैं। दूसरी बात यह, यहाँ हम बड़े सेफ हैं और ये हमारा अपना पाकिस्तान है, हम यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे मरेंगे। हम पहले भी मुतमईन थे और आज भी मुतमईन हैं। कुछ प्रोपेगेंडा हम लोग सुनते हैं अक्सर बेशतर कि जी पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, दुश्मन मुल्क जो है वो बातें करते हैं इस तरह की। आप यहाँ पर खड़े हैं इस जगह चर्च में, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, एक इंडिपेंडेंट आपसे इदारा पूछ रहे हैं इस तरह की बातें, तो क्या वाकई इस तरह के मसाइल हैं? हमारे साथ तो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जो कुछ भी हैं वो सारे हमारे संग मिलजुल के रहते हैं, वो लोग, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो क्या आप अपनी मजहबी जो रसूमात हैं इस तरह के जो आज़ादी के साथ? हम बिल्कुल आज़ादी के साथ, खुले दिल के साथ, आज़ाद, बिल्कुल जैसे आज़ाद पंछी होता है ना, ऐसे मनाते हैं। तो अभी आपके साथ आम दूसरे जो इर्द गिर्द पाकिस्तानी दूसरे लोग, वो भी आपके साथ इसी तरह शामिल होते हैं? बिल्कुल। तो आप खुश हैं मतलब ओवरऑल? बिल्कुल, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम यहाँ नहीं खुश होंगे तो फिर कहाँ पर खुश होंगे। मैरी क्रिसमस टू यू।